बोकारो जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले कोविड 19 टीका की कमी के कारण जिले में मात्र 2 सेंटरों में ही टीकाकरण का काम किया जा रहा है। इसको लेकर वैक्सीन की उपलब्धता मुख्य वजह बताई जा रही है। हालांकि जिले में सेकेंड डोज के टीके की कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने का बेड़ा उठाया था, ऐसे में टीके की उपलब्धता नहीं होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हालांकि बोकारो जिले में वर्तमान में 2000 टीका दिए जाने का स्टॉक है, लेकिन अगर राज्य मुख्यालय से ये उपलब्धता निरंतर नहीं की गई, तो यहां टीकाकरण बंद भी हो सकता है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने इस मामले में कहा है कि वर्तमान में 2 सेंटर्स में टीकाकरण चलाया जा रहा है, ऐसी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से लगातार टीका उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण अभी बोकारो में 2000 टीका का डोज बचा हुआ है, जिस पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन की स्थिति ऐसी है कि 45 प्लस वाले जितने हैं उनके लिए न फर्स्ट डोज की कमी है न सेकेंड डोज की कमी है, बल्कि उनके आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तक 18 प्लस का बात है तो 18 प्लस का आज भी मेरा 2 सेंटर में दिया जा रहा है लोगों को। थोड़ी कठिनाई हो रही है उसमें क्योंकि उपलब्धता सीमित है। ये अभी 2000 डोज लगभग होगा, और ये डोज से बहुत मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि हम डेली, हमें नामकुम से दिया जाता है और हम लोग डेली उसको नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अगर आज 2000 डोज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल नहीं होगा, ये रात तक हो सकता है कि फिर कल के लिए आ जाए। थोड़ी सी सप्लाई और डिमांड जो है उसमें मिसमैच हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक रुकने नहीं दिए। एवरी वेलकम, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हां नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।